कांकेर में कोरोना संक्रमण की दहशत कम होते ही बर्ड फ्लू ने अपनी दस्तक दे दी है। हालांकि अभी तक जिले में बर्ड फ्लू का केस सामने नहीं आया है। पशु चिकित्सा अधिकारी एलपी सिंह ने बताया कि भानुप्रतापपुर ब्लॉक में एक कोयल की मौत हुई है। डीआई लैब रायपुर से जांच रिपोर्ट आने के बाद पक्षी की मौत की वजह से स्पष्ट हो पाएगी। बर्ड फ्लू को लेकर पशु चिकित्सा विभाग ने अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्कता बरतने को कहा है। साथ ही जिले में कहीं भी जानवर या पक्षी की मौत होने की सूचना तुरंत विभाग को देने की अपील की गई है। पड़ोसी जी हां जिला बालोद के गांव में अचानक दो कौओं की मौत होने के बाद से कांकेर जिले में भी बर्ड फ्लू को लेकर लोगों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। वहीं दूसरी ओर जिले में प्रतिदिन महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में चिकन मटन भी आ रहा है, लेकिन पशु चिकित्सा विभाग इसकी जांच पड़ताल नहीं कर रहा है। इतना धंधा जो है वो कम हो रहा है अभी, पहले की तुलना में 45% धंधा था। दो दिन में हमको समझ में आ गया है कि हमारा धंधा बहुत कम हो गया। कितना कम बेचते थे एक दिन में और अभी कितना बिक रहा है? ज्यादा वो क्या तारीख के ऊपर धंधा रहता है, कोई त्योहार आ गया उसमें अच्छा धंधा रहता है, बाकी समय जैसे सामान रहता है जो खाते है शहर वाले खाते। अभी तो बहुत डाउन हो गया है। कितना धंधा जो है वो कम हो रहा है अभी, पहले की तुलना में 45% धंधा था। दो दिन में हमको समझ में आ गया है कि हमारा धंधा बहुत कम हो गया। कितना कम बेचते थे एक दिन में और अभी कितना बिक रहा है? क्या वो क्या तारीख के ऊपर धंधा रहता है, कोई त्योहार आ गया उसमें अच्छा धंधा रहता है, बाकी समय जैसे सामान्य रहता है जो खाते हैं शहर वाले खाते। अभी तो बहुत